हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम व्हीटिश कम्प्लेक्शन यानी नॉर्मल स्किन टोन, जिसे गंदमी रंगत कहा जाता है, तो उन लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है बेस बनाने के लिए, और वीडियो के एंड पर दो बहुत ही अफोर्डेबल हाइलाइटर शेड्स भी शेयर करूँगी और उनका पिगमेंट भी आपको दिखाऊँगी। तो जिनका फेस कम्प्लेक्शन ना बहुत डार्क है और ना बहुत लाइट है, बल्कि मीडियम है यानी नॉर्मल कम्प्लेक्शन है, तो उन्होंने कौन कौन से नंबर यूज़ करने हैं और ट्रांसलूसेंट पाउडर कौन सा वो लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी कि वो कौन सा कॉम्पैक्ट नंबर लेंगे और कौन सा बेस नंबर लेंगे और कौन सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस को हाइड्रेट करना ज़रूरी होता है, तो आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र लेना है। जैसे मेरी स्किन ऑयली है तो मैं सॉफ्ट क्रीम टाइप कोई भी मॉइस्चराइज़र लूँगी, तो आपने अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उस हिसाब से आपने हैवी वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी सीरम के एक दो ड्रॉप लेके फेस पे अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर लेने हैं, और दो मिनट का स्टे देकर आपने फिर उसके बाद कोई भी सीरम अप्लाई कर लेना है। मैं क्रीम बेस्ड सीरम अप्लाई करूँगी, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल बेस्ड सीरम यूज़ करेंगी। यहाँ पर मैं लोरियल पेरिस स्टूडियो सीक्रेट प्रोफेशनल प्राइमर अप्लाई कर लूँगी। ये क्रीम बेस्ड प्राइमर है, ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक कर देगा। प्राइमर को आपने एक दो मिनट के लिए स्टे देना है, फिर उसके बाद आपने अपनी फाउंडेशन अप्लाई करनी है। तो आप देखेंगे कि कितनी फ्लॉलेस आपकी बेस बनेगी। गंदमी रंगत के लिए आप यूज़ करेंगी FS38 और FS45। इन दोनों में से आप कोई भी नंबर ले सकती हैं, FS38 और FS45। थोड़े पीची शेड्स होते हैं ये, लेकिन अगर आपको थोड़ा पिंकिश चाहिए तो आप 38 की जगह 4W और 45 की जगह 3W भी यूज़ कर सकती हैं। और मैं यहाँ पर FS38 और 3W को अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप सर्दियों में बेस अप्लाई कर रही हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन लेंगी, उसके एक दो पंप अप्लाई करेंगी, और फिर आपने इस तरह से एक गीले स्पंज के साथ टैप टैप करके अपनी फेस को बेस को सेट कर लेना है, ताकि बेस अच्छी तरह से स्किन के अंदर तक चली जाए। इस तरह से लगाने से आपकी बेस फटेगी नहीं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और 24 घंटे आपके फेस पर स्टे करेगी। अगर तो आपके फेस पर कोई दाग धब्बे हैं, बेस अप्लाई करने से पहले आपने अपने फेस को कैमोफ्लेज करना है, यानी कि अनइवन स्किन टोन को इवन करना है। मीडियम स्किन टोन वालों के फेस पर अगर नशानात हों तो वो डार्क टोन की तरफ होते हैं, यानी डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन वगैरह। तो इन लोगों ने अपने फेस पर क्रायलॉन की डर्मा बेस 303 अप्लाई करनी है। तो अपने फेस को अच्छी तरह से कैमोफ्लेज कर लेने के बाद आपने यूज़ करना है FS38 या FS45, और इनके साथ कॉम्पैक्ट आपने यूज़ करना है वो आप करेंगी FS45 या आइवरी। इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रांसलूसेंट पाउडर में आप TL11 और TL4 में से कोई भी ले सकती हैं। और अगर आप काशीज का कॉम्पैक्ट पाउडर लेना चाहें तो वो आप लेंगी 5 नंबर, वो मीडियम स्किन टोन वालों के लिए बहुत बेस्ट है। ये मेरे पास आइवरी है, मैं ये भी आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। एक साइड पे मैंने काशीज़ का 5 नंबर अप्लाई किया, और एक साइड पर मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, जो कि मेरी स्किन टोन के मुताबिक हैं। और आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा, और जो मैंने बेस अप्लाई की है वो पता भी नहीं चल रहा कि मैंने बेस अप्लाई की है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अपना शेड चूज़ किया है। ये मैं इस साइड पर आपको ये काशीज़ का 5 नंबर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकती हैं कि मैंने ये तीनों अप्लाई की हैं, तो इनमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने ये एग्जैक्ट अपने ही शेड उठाए थे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि FS45 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, ये हर स्किन टोन पर सूट कर जाती है। अब मैं आपको दो बहुत ही पिगमेंटेड हाइलाइटर्स के स्वैच और ब्रांड्स बताऊँगी। ये है क्रिस्टीन का हाइलाइटर, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं। मेरे पास जो शेड है बहुत ही लाइट पिंक सा शेड है, जब आप इसको ब्रश की मदद से फेस पर अप्लाई करते हो तो ये आपकी स्किन पर बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आता है। रात के इवेंट में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, दिन में अगर आप इसको अप्लाई करेंगी तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करें। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये एक बहुत ही सिल्वरिश और पिंकिश सा शेड है जो हर स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा। ये आपको किसी भी मेकअप स्टोर से आसानी से मिल जाएगा,
और आप यहाँ पर इसका पिगमेंट देख सकते हैं कि कितनी ग्लो आई है इसको एक बार ही अप्लाई करने से। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्लैमरस फेस का एक हाइलाइटर है जो कि काफ़ी रीज़नेबल है और अच्छा खासा स्टे भी करता है। अगर आप इसको फिंगर की मदद से अप्लाई करेंगी तो ये बहुत ही पिगमेंटेड नज़र आएगा, और अगर ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगी तो ये बहुत ही सटल सा ग्लो देगा। तो आप देख सकती हैं ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर में है, ये तमाम एशियन स्किन टोन पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बेशक आपका स्किन कलर ब्राइट है या मीडियम, ये सब के लिए बेस्ट रहेगा। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपने गंदमी रंगत के लिए कौन कौन से शेड्स लेने हैं क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मैं मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।